Hello guys, good morning. It's day 6 of 75 Heart 3.0 again. Hey Tedians, आ गई आपकी टेडी. चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ घंटी बजाना मत भूलना. एंड हाँ, मैं आज सुबह लेट उठी हूँ बट शाम को वर्कआउट एंड डांस करने की जगह पर मेरे को अभी मैं जस्ट वर्कआउट करने वाली हूँ थोड़ी देर में और डांस का देखते हैं शाम को ही करते हैं क्योंकि वॉक को मैं आज जा नहीं पाऊंगी. लेट उठी पता नहीं क्यों यार, शायद से बरसों की बोलते हैं ना नींद की प्यासी हूँ मैं इस वजह से. सो अभी टाइम हो रहा है 9, देख रहे 9 बज रहे हैं और मैं उठी 8:15 या 8:30 बजे, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम. आई गॉट फ्रेशन अप एंड आई मेड ब्लैक टी फॉर माई सेल्फ. तो लेट्स हैव आज गर्म पानी एंड ऑल लेना है तो उसकी जगह पर मैंने बोला ब्लैक टी लेते हैं. तो आई फिनिश दिस एंड आई स्टार्ट माई वर्कआउट डायरेक्टली. सेशंस वालों का आज मिस हो गया, कोई बात नहीं, उनको आज का दिन एक्सटेंड दे देंगे, एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा मॉर्निंग वालों का ओनली क्योंकि इवनिंग का तो सेशन होगा. सत्तू मिल्कशेक लेते. ओके, सत्तू मिल्कशेक की रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पर शॉर्ट सेक्शन में आ चुकी है, सो डोंट मिस इट. और पहले वाला जो सत्तू मिल्कशेक था तो नितेश सोनी ने बाद में बताया दैट वॉज फॉर द मेल. तो फीमेल वाला सत्तू मिल्कशेक जो है वो मैंने डाल दिया है मेरे कुकिंग चैनल पर. कुकिंग चैनल को मैं इस वीडियो के कैप्शन बॉक्स में मैंशन कर रही हूँ, देखना @yourstudycooks. ओके, चलो अब वर्कआउट करते हैं. गुड मॉर्निंग बुपची, हाउ आर यू? हाउ आर यू चिका 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 पिका? He is not camera friendly at all. Ali, come here dots. Come here dots. Good morning बोल दो सबको. नहीं, अच्छा ठीक है, हमारा मन करेगा हम तब गुड मॉर्निंग बोलेंगे, है कि नहीं? गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वर्कआउट. सो फॉलो मी दोज हु आर लाइक डूइंग वर्कआउट्स लुकिंग एट माय व्लॉग्स. बस मैं काउंट्स जो है मैं 20 कर रही हूँ, आप 40, 60, 80, 100 ऐसे 20-20 के कर सकते हो ईच, ठीक है, जैसे आपको लगे. मैं 20 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बॉडी को फिर से वो रीस्टार्ट मिला है एंड तुरंत वो 40-60 पर नहीं जा रहा है. सो यू नो, हमेशा जब गाड़ी बहुत देर तक बंद होती है तो क्या करना पड़ता है, ग्र 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 धीरे धीरे एक्सेलरेटर देना पड़ता है तभी वो आगे बढ़ती है. तो शुरुआत अभी इतना टाइम से मेरा ये हुआ था तो इसलिए मैं जब से ये शुरू किया है फिर से वर्कआउट करना तो मैंने धीरे धीरे 20-25 ऐसे काउंट्स करने शुरू किया है. ओके, सो कम ऑन, मैं काउंटिंग्स नहीं दिखाऊंगी, आई विल शो यू फास्ट एंड फॉरवर्ड. तो आप बस वर्कआउट देखिएगा और अपने हिसाब से काउंटिंग मन में करते हुए 20 काउंट्स के 3 सेट्स, 4 सेट्स, 5 सेट्स. जब 5 सेट्स करते हैं यानी कि 20 काउंट्स के टोटल 100 काउंट्स हो जाते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वार्म अप फर्स्ट. नाइस. तो मेरे शूज एक्चुअली मैंने बाहर पहने हुए तो मैं गर्मियों से पहन नहीं सकती थी, पूरा नीचे धूल मिट्टी लगा हुआ. एक्चुअली मैं आर्म्स अ पेनिंग लगता है 3-4 दिन से जो हाथों का हो रहा है ना सेशन के साथ साथ, तो उस वजह से. अब जो लोग जंपिंग नहीं कर सकते, जिनको नी में प्रॉब्लम है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, प्लीज मेक श्योर डू दिस काइंड ऑफ जंपिंग जैक्स, हैंड साइड एंड so I did 20 counts. 20 counts as in 1, 2, ऐसे नहीं. 20 counts as in 1, 1, 2, 2. Okay? So this counts 20. Perfect on both the sides. चलो. Now warm up nicely done. Now I'll give some stretchings.
So now the best workout which I feel is just amazing. Okay, so this is a quite difficult one, लेकिन इसको बिना shoes के करना, ठीक है? That is called Malasan walk. Nice distance between your leg. Hand goes up. Sit in Malasan. And now start walking. So this will work on your thighs, calf, this ankle and your belly and inner thighs. This is the best, and especially for female, this is helpful for your reproductive system, that is your ovary, your uterus, your inner body. It is very good. हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम सुबह का पानी पीते हैं ना, घी वाटर हो चाहे नॉर्मल वाटर हो, तो मेक श्योर टू सिट इन दिस मलासन एंड देन हैव योर वाटर सिप, दैट विल हेल्प यू डाइजेस्ट नाइसली. ठीक है, चलो आई गेस मैं एक और करूंगी, दैट इज भुजंगासन एंड आफ्टर दैट आई विल स्टॉप. सो फॉर द भुजंगासन फर्स्ट आई विल रिलैक्स माय बैक नाइसली. सो आई विल डू कैच एंड काउ. Now let's begin. Look at this way. After a long time I've got this sweat because of the workout. Normally I get it because of the garmi, but because of the workout, after a long time. Chal. Now I'll get going, do my household work. Sara sab kuch ghar ka kaam hai wo kar leti hu because it's 9:30 already and mereko school bhi Ali ko khana dena hai 10 o'clock ko. So सारा काम कर लेते हैं, फिर नहाने जाते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से सीधा ब्रेकफास्ट पर, दैट इज सत्तू मिल्कशेक. सत्तू मिल्कशेक की रेसिपी आ चुकी है ऑन माय कुकिंग चैनल. इस वीडियो के कैप्शन में मैंने मेंशन किया है योर स्टडी कुक्स का चैनल, उसके शॉर्ट सेक्शन में जहाँ पर 1 मिनट वीडियोज होते हैं वहां पर जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा सत्तू मिल्कशेक फॉर फीमेल्स स्पेशली आफ्टर वर्कआउट विच यू शुड टेक, क्योंकि वर्कआउट में हमारी जो एनर्जी ड्रेन हो जाती है, सत्तू मिल्कशेक रिवर्सेस इट, इट गेट्स बैक इन आवर बॉडी. ओके, चलो नाउ आई विल गो एंड मीट यू आफ्टर सम टाइम. बाय. सो गाइस, मुझे एक ना बात कहनी थी आप लोगों से, लाइक मेरे दिल की बात है. सी, YouTube हो चाहे सोशल मीडिया हो, कोई भी हो, जब एक इंसान उस पर वीडियोज एंड ऑल बनाता है, लोग उसको इतना प्यार देते हैं, तो ऑफकोर्स उसके लिए व्यूज जो है वो बहुत मैटर करता है. बहुत मतलब लोग तो बहुत कुछ कहेंगे यार, अरे आप तो आपके लिए वीडियो बना रहे हो, आप तो उससे पैसे कमाओगे, ऐसा करोगे, हमारा क्या उसमें ये वो. बट अब आप ही लोगों ने सिलेक्ट किया ना, आप ही लोगों ने हमें चूज किया, आप ही लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, तो हमारी भी एक्सपेक्टेशंस है ना बढ़ जाती है कि यार मेरे व्यूअर्स मेरे साथ है, हर एक मेरे वीडियो पर इतना बोलते ना प्यार बरसा रहे हैं. कोई बात नहीं, कोई अगर वीडियो पसंद नहीं आता तो उस पर कमेंट ऐसे भी आते हैं हेट वाले कि नहीं हमें ये पसंद नहीं आया करके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, एवरीबडी हैज डिफरेंट चॉइसेस. बट आई एम फीलिंग कि मेरे हालांकि रिसेंट वीडियोस पर, लॉन्ग वीडियोस पर इतना ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो ना कभी कभार एक देखो एक वीडियो बनाने वाले को भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन लगता है. कितने ऐसे चैनल्स हैं जो शुरू होते ही बंद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको शुरुआत से ही वो व्यूअर्स का सपोर्ट, ऑडियंस जनरेट नहीं होते, तो वो हार मान लेते हैं और वो चैनल बंद कर देते हैं. हालांकि उनको करना नहीं चाहिए, उनको और उस पर काम करते रहना चाहिए जिससे कि कभी ना कभी लोगों तक वो चीज़ पहुँचेगी. बट मेरा ऐसा है,
मुझे मेरे इतने सारे लोगों ने प्यार दिया है, इतनी बड़ी मेरी फैमिली है, 7,15,000, अब बस 16,000 होने ही वाले हम लोग, 7,16,000। तो मैं ये चाहती हूँ लाइक आप लोगों के व्यूज जो है वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा। आई एम लाइक अब वीडियोज पर व्यूज कम आते हैं ना, आई लिटरली फील, हाँ नहीं, ऐसे लोग भी है जो डेली वीडियोज देखते हैं डेली, तो उनके लिए तो मेरा ढेर सारा प्यार। और कोई कुछ काम की वजह से मिस आउट कर जाते हैं, तो कोई कोई एक दो जन का मैसेज आता है कि दी मैं एक हफ्ते से बाहर थी, तो मैंने आज पूरे दिन में एक हफ्ते का पूरा वीडियो देख लिया सारा। तो ऐसे भी कोई लोग हैं जो शिद्दत से बोलते हैं ना मेरे कंटेंट को, मेरे वीडियोज को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया व्यूज दे रहे हैं। तो आई एम लाइक अब जब व्यूज कम आते हैं, जब भी कभी कम आते हैं, शॉर्ट्स में हो चाहे लॉन्ग वीडियोज में हो, तो आई यू नो गेट डीमोटिवेटेड फॉर मेकिंग वीडियोज। तो ऐसे लगता है यार क्या फायदा है बनाकर जब लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन फिर जब ऐसा ख्याल आता है दिमाग में, तो कुछ लोग हैं जो कमेंट के जरिए या फिर पर्सनल मैसेज के जरिए ना मुझे ऐसे दिखा देते कि दी ऐसा मत सोचो, हम हैं करके, फिर वो एक ताकत सी आ जाती, क्योंकि बींग अ वीडियो मेकर, वीडियो कंटेंट क्रिएटर, तो आई फील हमारे लिए यही एक चार्जिंग पॉइंट है जब हमारे व्यूअर्स वीडियो को देखे, हालांकि स्किप स्किप करके आगे आगे बढ़कर देखे, लेकिन देखे। क्योंकि क्या होता है ना, एक फुल टाइम वीडियो कंटेंट क्रिएटर के लिए उसका यूट्यूब, उसका सोशल मीडिया सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। दिस इज नॉट अ फन प्लेटफॉर्म फॉर अस, इट इज अ वर्क। क्योंकि मैं मेरे पूरे दिन का क्या कर रही हूँ क्या नहीं, डांस रील्स, चाहे कभी मेकअप टिप्स, जो भी मुझे आता है मैं सब आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करती हूँ। कभी कभार लेट हो जाती हूँ भाई, क्योंकि आई डोंट हैव एनी टीम, आई वर्क फुल अलोन ऑन दिस। आप लोग नहीं मानोगे, सच्ची में नहीं मानोगे, बट आई वर्क फुल अलोन ऑन दिस। आई डोंट हैव अ टीम फॉर एडिटिंग, आई डोंट हैव अ टीम फॉर लाइक गिविंग मी आइडियाज अबाउट व्हाट कंटेंट शुड आई शूट, सब कुछ लाइक इट्स अ वन वुमन आर्मी मैं कर रही हूँ सब। तो मैं बस इतना चाह रही हूँ कि आप लोगों के व्यूज मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो मेरे वीडियोज को प्यार दो यार। आई अंडरस्टैंड वक्त नहीं होता, आप लोग बिजी हो, बट अपने बिजी वक्त से थोड़ा सा वक्त मेरे लिए भी निकाल लो। That will give me more power to create more nice videos. अब ऐसा होता है ना कि मैं डेली एक ही वीडियो डालती हूँ, ये डेली व्लॉग वाला, शॉर्ट्स एंड ऑल वो सब फिर ज्यादा करने का मन नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है कौन देखेगा हम किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ लोग हैं जो बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से देखते हैं, बहुत अपना सपोर्ट देते, तो उनके लिए करने का मन करता है फिर। तो आई जस्ट फील यार, आई जस्ट फेल्ट टू से आउट माई हार्ट। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको दिल की आवाज वो सुनाई नहीं देती, वो समझ में नहीं आता। लोग ये कहेंगे कि अरे आप तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, हालांकि हाँ ये मेरा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के व्यूज से मेरी अर्निंग होती है, तो यस दिस इज अ प्लेटफॉर्म, माय वर्क प्लेटफॉर्म, राइट। और सपोज अगर आप लोग बहुत से लोग अगर ये कहते हैं कि हम वीडियो देख कर क्या करेंगे, पैसे तो आप कमाने वाले हो, यार आप वीडियो नहीं देखोगे तो मैं कैसे कमाऊंगी बताओ, है कि नहीं। आप जब किसी ऑफिस में जॉब करते हो तो आप आपके पूरे 30-31 डेज ऑफिस में भरोगे नहीं तो आपको पगार कैसे मिलेगी सही बात है कि नहीं। तो इट इज जैसे मैं वीडियोस लाती हूँ आप लोगों के लिए, ये मेरा वर्क है। जैसे आप आपके ऑफिस में काम करते हो वो आपका वर्क है, आपको उसके लिए पेड किया जाता है, सैलरी मिलती है, मुझे भी इसके लिए सैलरी मिलती है। लेकिन आप लोगों का फिक्स है, आप लोग क्या बोलते हैं महीने में अगर दो छुट्टी भी लेते हो तो आपका दो दिन का ऑफकोर्स छुट्टी मेरे ख्याल से किसी किसी ऑफिस में कट होता है, राइट। पैसे कट होते हैं, सैलरी कट होती है दो दिन की छुट्टी लिया करके। बट हमारा ऐसा है ना, हमारा पूरे 30 दिन अगर किसी ने वीडियोज नहीं देखा ना तो एक रुपये भी नहीं मिलेगा यार, ये तो बात है ही है, कॉमन सी बात है। मेरे हस्बैंड का जॉब एंड ऑल सब है, ऐसा नहीं है कि मेरा घर सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब एंड सोशल मीडिया के जरिए, पेड प्रमोशंस के जरिए चल रहा है, नहीं। दैट इज माय वर्क, इट इज माय स्ट्रीम। माय हस्बैंड इज वर्किंग, इज अ इवेंट ऑर्गेनाइजर, उनका काम बढ़िया चल रहा है। बट मेरा ऐसा है, ये मेरा काम है, दिस इज नॉट माय हस्बैंड्स वर्क, ये मेरा काम है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब के जरिए ही मेरा घर चल रहा है, नहीं। दिस इज बोलते हैं ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ इंडिविजुअली कमाते हैं, ही अर्न्स, आई अर्न, माय वर्क इज यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हिज वर्क इज इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, वो इवेंट्स करते हैं, सेटअप्स करते हैं इवेंट के एंड ऑल। तो मेरे को ये बोलना था, कमाई देखो अगर यहां से नहीं भी होती है तो इट इज लाइक कि ऐसा नहीं है कि मेरा घर नहीं चलेगा, इट इज नॉट लाइक दैट।
बट मेरे को इतना है कि मुझे मेरे काम के जरिए सराहना मिले, मुझे मेरे काम के जरिए पैसे मिले, मुझे मेरे लोग जाने पहचाने और कितने सारे लोगों के लाइफ में मेरी वजह से चेंजेस आए हैं। तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं सीधा आप लोग को दिखाती हूँ। लुक एट द कमेंट ओवर हियर, होप आप लोग को दिख रहा होगा। सो आप इस कमेंट को पढ़िए एंड आई जस्ट फील कि ये चेंजेस है मेरे लोगों के लाइफ में आने से। वो तो मुझे भगवान फरिश्ता क्या क्या बोल रही है वो लड़की, एंड आई एम लाइक भाई मैं बस रोने लग गई। सो आई फील दिस चेंजेस लाइक लोगों के जीवन में मैं ला रही हूँ किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी कार्य से, काम से। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि उस चीज़ के लिए तो एटलीस्ट मुझे सराहना मिले एंड सपोर्ट मिले आप लोगों का। और मैं कभी नहीं बोला यार ऐसा कभी कि गाइज सपोर्ट माई वीडियोज, वॉच इट। वैसे भी हालांकि क्या बोलते हैं ना, मेरे को ये ऐसा बोलना ज़्यादा जताना मुझे आता नहीं है, एंड बहुत अलग सा फील होता है कि हमें जो प्यार करते हैं, हमारा कंटेंट सही है तो वो तो हमारे लिए हमेशा होंगे ही होंगे। लेकिन फिर मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को, कभी कभार बीच में जो लोग हमें भूल चुके हैं, अब मेरे 7 लाख लोगों में से बहुत सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में भूल चुके होंगे। कई कई ऐसे भी लोग होंगे जो मुझे सब्सक्राइब करके भूल चुके होंगे कि चलो एक जन को सब्सक्राइब कर लिया, तो उनको मैं याद दिलाना चाहती हूँ हेलो मैं हूँ, हाय। तो मैं बस इतना चाहती हूँ यार आप लोगों का बोलते ना सपोर्ट, आप लोगों के जरिए मेरे वीडियोस को और रीच मिले और ज़्यादा लोग इसे देखे, जितना हो सके आप उसे शेयर करिए। दैट मैटर्स अ लॉट फॉर मी क्योंकि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये मेरा काम है, सत्य है। आई फील वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्क। सो गाइस बस इतना ही कहना था, बहुत लंबा कह दिया मैंने। चलिए फिर होप आप लोग को मेरे दिल की बात पता चल गई होगी कि आप लोगों का साथ मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सीखने को भी मिलता है राइट, तो यस बस इतना ही। होप आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही नहीं, इससे भी और ज़्यादा अच्छा मिले। हाँ ऐसे ही नहीं चाहिए, इससे और ज़्यादा अच्छा चाहिए। ओके लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल। सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा अपने दिल की बात शेयर कर दी हो तो, क्योंकि मुझे हालांकि जितना पता लगा है सोशल मीडिया ये दिमाग वालों के लिए है, दिल वालों के लिए नहीं। क्योंकि दिल का कोई सुनता नहीं है, दिल की किसी को पड़ी नहीं है, किसी के फीलिंग्स की पड़ी नहीं है। और सिर्फ सोशल मीडिया में ही क्यों, नॉर्मल हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में भी दिल की परवाह किसी को नहीं होती, सब दिमाग से सोचते। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल की बात शेयर कर दी, अब सब आप लोगों के हाथों में है। आप लाइक इस चीज़ को किस वे में लेते हो, मेरे ये कहने के पीछे आप असल में रीज़न क्या समझ रहे हो, आई जस्ट वॉन्ट टू सी दैट। सो सपोर्ट अलॉट। मैं सोचती हूँ कई बार कि मैं शॉर्ट्स में वीडियो बनाऊँ, जाने दे, इतना मेहनत है ये डेली व्लॉग बड़े बड़े बनाने में, फिर उसको एडिट करने में, फिर अपलोड करने में टाइम टू टाइम। बट देन ऐसा लगता है कि जब कोई देख नहीं रहा है तो क्या करे, जाने दे, नहीं बनाते, शॉर्ट्स में करते हैं या फिर सिर्फ डांस वीडियोज़ बनाते हैं। क्यों अपनी डेली जर्नी दिखानी है, तू अपना कर और निकल ले, ऐसा लगता है खुद को बोलने के लिए कि रोहिणी तू अपना कर कॉन्सेंट्रेशन से और तू दिखा दे, डायरेक्ट रिजल्ट दिखा दे लोगों को। बट देन फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं दी आप डेली लॉन्ग वीडियोस लेकर आइए वगैरह, तो तब आता है मोटिवेशन। हर काम के लिए मोटिवेशन लगता है, आपको सैलरी मिलती है तो आप ऑफिस जाते हो उसके लिए मोटिवेशन मिलता है, आपके करियर में नेम फेम कमाते हो तो आप वो काम करते हो उसके लिए मोटिवेशन मिलता है। हर चीज़ के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो मेरे वीडियोस बनाने के लिए भी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। और मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, जब आप लोग मेरा वीडियोस देखोगे और उसे बहुत सारा प्यार दोगे और उसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करोगे कि लाइक वॉच दिस गर्ल इज गेटिंग अ लाइव चेंज इन हर लाइफ, एंड कुछ नहीं तो हम एटलीस्ट उसका वीडियो देख सकते हैं, लाइक दैट। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। ऐसा है, आप लोगों का प्यार बनाए रखिए, और जो कहीं कहीं बिजी है प्लीज़ दिन में थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरे लिए वक्त निकालिए। तो मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे चैनल पर क्या बता रही हूँ, यही ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है और कब उठना है, कब सोना है, कैसे अपने दिन को लाइक बोलते हैं ना मैनेज करना है, मैं यही बता रही हूँ। अगर हाँ मैं इतना जानती हूँ, अगर मैं डेली ब्रेकफास्ट बाहर दिखाऊँ, डेली लंच बाहर दिखाऊँ, डेली घूमने जाऊँ, तो यस मेरे वीडियोस को तुरंत लाइक बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे क्योंकि वैरायटी ज़्यादा है। अभी क्या है,
मैं चार दीवारी के अंदर जो हाउसवाइफ्स होती है उनको ज्यादातर कैसे मैनेज कर सकते हैं वो बता रही। तो हो सकता है लोगों को शायद बोर लगे, बट कंटेंट बुरा नहीं है, कंटेंट इज वेरी वैल्यूएबल बहुत ज्यादा। एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम अ बोलते हैं ना, एक मैं जरिया हूँ लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव लाने के लिए। आई एम हैप्पी फॉर दैट। बस टू मेक मोर वीडियोज, टू मेक मतलब रादर देन दिस डेली 75 हार्ड वाले वीडियोज, मैं और भी अलग अलग किस्म के वीडियोज लाऊ, इसके लिए मोटिवेशन अब आप ही मुझे दो, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे दो, बहुत सारे व्यूज दो, शेयर करिए वीडियोज को ताकि और लोगों को पता चले कि है ही रोहिणी भगत करके एक है, रोहिणी भगत गुप्ता करके एक है लड़की सरफिरी सी। तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मैटर करता है मेरे लिए, मेरे लाइफ में, मेरे काम में बहुत ज्यादा। ओके चलो अब मैं चलती हूँ, इट्स ऑलरेडी 10:15। यप, होप आप लोग को बुरा नहीं लगा होगा। सो सपोर्ट गाइस, सपोर्ट एक यूट्यूबर के लिए सपोर्ट ऑफ द ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लव यू। ये देखो गाइज, ये महारानी पूरी उठकर मतलब पूरे इस घर में ऐसे दौड़कर फिर इधर आकर बैठी, और एक चिड़िया यहाँ पर है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आ गई उठकर। मेरा तो लाइक सत्तू ड्रिंक भी हो गया, घर का काम भी हो गया, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। आईफोन में कुछ तो काम चल रहा है जिस वजह से मुझे शूट मेरे पुराने मोबाइल से करना पड़ रहा है। सो लंच में है ये कर्ड राइस, तड़के वाला कर्ड राइस। मैंने ऑयल कौन सा यूज किया है तो मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, और तड़के के लिए देयर इज ओनली जीरा राई एंड करी पत्ता, नथिंग एल्स, वेरी सिंपल। मैंने लिटरली नमक भी नहीं डाला, दिस इज ऑसम। नाउ क्लीनिंग ऑल माई अदर ड्रॉवर्स, क्योंकि मेरे को थोड़ा घर का जो है ना लुक बदलना है। बट आई फाउंड समथिंग, मुझे नहीं आता बजाना, मैं कुछ भी बजा रही हूँ। आई हैव तबला, आई हैव गिटार, आई हैव दिस, दिस इज कॉल्ड आई गेस हारमोनिका, राइट, माउथ ऑर्गन, आई डोंट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली, माउथ ऑर्गन पता है लेकिन हारमोनिका भी शायद बोलते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इट्स जस्ट स्वीट है ना। सो गाइज, एक्चुअली मैं फिर से किसी काम से बाहर गई थी, एंड आते आते मेरे को इतना लेट हो गया, और ऑलरेडी दोपहर को बढ़िया से बोलते हैं ना कर्ड राइस तड़के वाला खाकर एकदम से इट वाज नाइस। तो कुछ भूख वूख के नॉल लगी नहीं, बाकी तो घी वाटर से सच में भूख ऑलमोस्ट कम हो गई है। पता नहीं वीडियो बार बार स्लोमो वाले सेक्शन में क्यों शूट होने लग जाता है, भगवान जाने। तो ना मैं जहाँ पर गई थी आज, लिटरली मैंने ऑटो नहीं लिया एंड आई वॉक्ड, क्योंकि मेरा सुबह वॉक नहीं हुआ था, आई वॉक्ड। अब मेरे साथ एक जन थे तो इट वॉज लाइक कि क्या है वगैरह ऐसा सब, तो यू नो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई वो, वरना अभी थोड़ी देर पहले ही मैं जाकर आई हूँ, और डिनर मेरा आज रह गया तो फिर क्या करूँ करके समझ में भी नहीं आ रहा था, लेट हो गया तो। सो राइट नाउ आई एम टेकिंग दिस मखाना एंड पीनट्स, बढ़िया से एकदम मस्त हल्का फुल्का भी एंड टेस्टी भी हेल्दी भी, तो थोड़ा सा है और लाइक ये एक कटोरा और एक और कटोरा, तो दो कटोरा हो जाएगा एंड काफ़ी है मेरे लिए। मैंने सोचा था आज शाम को मैं डांस भी कर लूँगी करके, लेकिन नहीं, आई वॉज आउट, मैं थोड़ा बैंक के काम से भी बाहर गई थी और फिर घर पर आकर फिर से बाहर गई थी, तो सेकेंड टाइम फिर मैंने बोला यार इस बार है ना चल कर जाते हैं। तो इट लिटरली टुक मी 1.5 hours टू रीच एट दैट प्लेस, और रिटर्न आते वक्त आई टुक एन ऑटो, इट दैट मच डिस्टेंस की अभी वॉकिंग स्किल भी थोड़ी फास्ट हो गई है पहले से बेहतर। जब शुरुआत किया था एकदम बाहर वॉक करना 75 सॉफ्ट चैलेंज के टाइम पर,
तो पहले दिन पर तो बहुत एकदम ज्यादा थकावट होती थी ना, अब तो सट 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 चल लेते हैं भाई, मजा भी आता है बहुत। तो ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल। ये व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, एंड बी सेफ बी हैप्पी। तो आई एम हैप्पी कि ट्यूसडे भी जल्दी आने वाला है, तो मैं अपना इस बार फिर कंप्लीट करूँगी, लेकिन मैं व्लॉग में कतई नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा भी नहीं दिखाऊंगी, और मैं अपना शुरू करके कब ख़त्म कर दूंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आई हैव टू कीप इट टिल माई सेल्फ। यस ओके, तो चलिए फिर अब मैं करती हूँ बाय बाय, व्लॉग को करती हूँ एंड एंड मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल। सो टिल देन बी सेफ बी हैप्पी, लव योर सेल्फ एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम एंड राधे राधे।